हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइसर ब्लॉग। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, फाइनली हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जैसे कि आप सब में से भी, जैसे कि अगर कोई सोच रहा है कि उन्हें भी कंस्ट्रक्शन करवाना है आगे कभी, ये चीजें सारी फ्यूचर में काम आने वाली चीज है। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ हम ये चीजें शेयर करते हैं, ताकि किसी को हेल्प मिल सके, हमको क्या क्या परेशानी आई इन सब में, तो हम भाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो विदाउट स्किप किए आप पूरी वीडियो देखिए, इसमें आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको बनाना है मकान का नक्शा, क्योंकि मकान कैसा होगा, क्या साइज का आपका प्लॉट का है, और उसके हिसाब से रूम का साइज क्या होगा, लॉबी का साइज क्या होगा, सबका साइज डिसाइड करने के लिए आपको मैप बनाना पड़ेगा कि आपको कितना कितने साइज का क्या बनाना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंजीनियर के पास। तो हम भी गए थे इंजीनियर्स के पास, उन्होंने भी हमें मैप बताए और थोड़े डिजाइन्स बताए, पर पता नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा था, हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हमने क्या सोचा वो आप सुनिए। तो हमने डिसाइड किया कि पेन से पेपर पे नक्शा बनाते थे कि इतने का हमको ये चाहिए, फिर उसको हम उसमें एक्सेल में जाके बना के देखते थे अभी कितना स्पेस बचा है। और उसमें भी रफली भी जब हमने ट्राई किया ना, तो उसको कम से कम 10 से 15 दिन हम रफली बनाते रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना, एकदम से तो एक घर पूरा मकान बनना है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस एक दिन जो सोच लिया वही फाइनल कर दिया। जैसे कभी हमने कितने डायमेंशन का हमको रूम चाहिए तो वो डिसाइड कर लिया, फिर कल हमारा अगले दिन मन ऐसा करता कि नहीं इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं, इस चीज को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, सीढ़ियां इधर से लेते हैं, लॉबी बाहर, पार्किंग वार्किंग किचन, हमारा चेंज होता रहता सुबह शाम, हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते। अब एक बार इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो सब हमारा फाइनल हो जाता है एक ही बार में। बट हम लोगों ने खुद ने घर पर ट्राई किया, सोचा कि हम भी तो कर सकते हैं ना, हमने सोचा जब अपने पास भी इतना दिमाग तो है ही, उसको लगा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने रफली किया, फाइनली फिर एक जाकर हमको समझ आया, और फिर हमने लैपटॉप पर उसको एकदम परफेक्ट इंजीनियर की तरह हमने उसको बना लिया, तो हम खुद इंजीनियर बन गए थे। मैप्स भी गाइस इतने चेंजेस हुए, जैसे आज के किचन हमको छोटा लग रहा है कि थोड़ा सा किचन को बड़ा कर देते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, हमेशा हम बोलते हैं कि एक नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से भी, तो हम जैसे कुछ समझ नहीं आता तो हमें यूट्यूब वगैरह पर गूगल रूम का साइज, स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए, किचन का स्टैंडर्ड साइज कितना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कमियां ज्यादा कर लेते थे। तो ऐसे करते करते फाइनली हम लोगों ने एक प्रिंट तैयार किया। तो वो जो पूरा मैप था वो हमने घर पर ही तैयार किया था, मैंने एक्सेल में तैयार किया था, उसमें सारे करेक्शंस करने के बाद में एक फाइनल प्रिंट निकाल के हमने अपने फैमिली वालों को दिखाया। मैंने मेरे पेरेंट्स को दिखाया, मतलब पसंद आ गया उनको भी, और एक कॉन्ट्रेक्टर से हमने क्या बात की, उसको पूरा मैप समझाया, और जो भी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी वो हमने तय की। हमने एक्चुअल में पूरे के पूरे मकान का कंस्ट्रक्शन उसको नहीं दिया था, हमने ऐसे दिया था कि ओनली लेबर उसकी होगी, बाकी मटेरियल और जो भी सारा सामान होगा वो सब हमारा होगा। पर स्क्वायर फीट पे उसको लेबर दे दी। अब लेबर देने में क्या होता है कि अगर आप पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर पूरी साथ में देते हो कि आपको बस लॉक एंड की मकान आपको बना के देगा, तो उसमें क्या है, वो मटेरियल कैसा भी लगाएगी आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, वो सीमेंट कम काम में ले कैसा ले आप उसको बोल नहीं सकते कुछ। इसमें क्या होता है कि उसकी सिर्फ लेबर होगी, मटेरियल सारा आप ला के दोगे, वो कितना भी मटेरियल, अब जितना मटेरियल अगर ज्यादा भी लगाएगा वो अपने मकान में लगेगा, ज्यादा सीमेंट लगेगा अपने मकान में लगेगा, तो इससे फायदा ये होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है उससे। तो हमने यही डिसाइड किया कि जो भी मटेरियल आएगा ना वो सब हम ही लेकर आएंगे अपनी चॉइस से, क्योंकि मकान का बात है, कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, अंदर पता नहीं कैसा मटेरियल डाल दिया, इसलिए वो सारा जिम्मा हम लोगों ने लिया सारे मटेरियल का, बस हमने लेबर का ठेका दिया था, बाकी सामान हम लोगों की चॉइस से ही आता था। और अब कॉन्ट्रेक्टर के साथ बात होने के बाद में कुछ शर्तें तय करनी होती है, नॉर्मली जो एग्रीमेंट्स होते हैं, तो एग्रीमेंट भी मैं खुद ही बनवा के लेके आया था, उसमें मतलब अगर उसमें कुछ भी लेबर का या किसी का भी कुछ भी नुकसान हुआ तो वो किसके जिम्मे जाएगा, ये सारा एग्रीमेंट करके हमने फाइनली उससे कॉन्ट्रेक्टर से वो एग्रीमेंट साइन करवा लिया। अब उसके बाद अब वहां पे चाहिए लाइट और पानी, बिना लाइट पानी के आपके मकान का काम शुरू होगा नहीं, और हमारे के आसपास उस टाइम मकान थे नहीं इतने कि जिससे हम किसी से लाइट ले सके, क्योंकि न्यू सोसाइटी डेवलप हुई थी ना, तो सभी के धीरे धीरे बन रहे थे, तो जिस एरिया में जिस जगह हमारा घर है ना वहां पर पास में 2 से 3 मकान थे, वो भी थोड़ा सा दूर, तो लाइट लेना बहुत लंबा पड़ जाता। और एक चीज इसमें ये भी है कि
मेरे भाई का मकान बना था तो उसका लोन हुआ था HDFC से, तो HDFC की पॉलिसी मेरे को जहां तक पता थी उस टाइम, तो HDFC वाले बोलते हैं पहले आप DPC लेवल, जिसको पी लिंथ लेवल भी बोलते हैं, जब तक आपका मकान वहां तक आप कंप्लीट नहीं कराओगे, वो खुद के पैसों से करवाना पड़ता है, वहां तक कंप्लीट होने के बाद में बैंक एक इंस्टॉलमेंट रिलीज करेगी, उसका इंजीनियर चेक करने आएगा कि वो लेवल कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, फिर वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करेगी, उसके बाद आप अगला काम उस इंस्टॉलमेंट से करवाओ। पर अब मेरा लोन था SBI का, मेरे को SBI के रूल्स पता नहीं थे, तो हमने काम तो शुरू करवा दिया। अब बाद में मैंने बैंक से जाके पता किया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रिलीज होगी, तो बैंक ने मुझे बोला कि आप यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी से जाके पहले कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेके आइए, परमिशन लाते ही हम उसी दिन 2 घंटे में आपकी इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देंगे। अब मेरे दिमाग में कि ये कौन सा नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये क्या चीज होती है, मेरे को पता ही नहीं था ये कंस्ट्रक्शन परमिशन क्या होती है। फिर फाइनली पता किया 1-2 जनों से, और यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पे जाके भी पता किया, तो पहले इसमें क्या होता है, जो अथॉरिटी का पट्टा होता है जिसको बोलते हैं, तो पहले वो आपके नाम में ट्रांसफर करवाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो परमिशन मिलेगी। मैंने कहा अब तो ये दिक्कत हो जाएगी बड़ी, क्योंकि उसमें टाइम बहुत जाने वाला है और मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया है। अब कंस्ट्रक्शन में पता है आपको पैसा लगता है, बीच में आप रोक नहीं सकते। फिर फाइनली मैंने वो प्रोसेस तो शुरू कर दिया परमिशन का, काफी टाइम लगा, और उसमें क्या है कि बहुत सी फॉर्मेलिटी चाहिए। अब सबसे बड़े फायदे की बात ये रही कि जो प्रॉपर्टी डीलर था ना, वो उसकी उसी के नाम का पट्टा था, डायरेक्ट उससे मुझमें ट्रांसफर हुआ, तो उसका कम से कम 1 महीना बच गया, वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर अब थी कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेने की, तो परमिशन के लिए मैंने एप्लीकेशन लगा रखी थी। अब गवर्नमेंट काम है, आपको पता है टाइम लगता है, इतने इजीली होते नहीं है, तो मैं कंटिन्यू सुबह शाम मेरा काम ये था, डेवलपमेंट अथॉरिटी जाके चक्कर काटना, कहां तक पहुंची फाइल, क्या काम हुआ, उसका इंजीनियर भी आके चेक करके चला गया, प्लॉट कहां पे है क्या नहीं है, सब कुछ चेक हो गया, पर फिर भी डिले हो रहा था। और इधर कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही था, अब ठेकेदारों को रोज पैसे देना, लेबर्स को पैसे देना, ये तो रुक नहीं सकता ना, लेबर तो आज काम करके गए, शाम को उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। अब बीच में थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि हमारे पास जो पैसा था वो थोड़ा खत्म होने लग गया था, मतलब बहुत कम रह गया था। अब एक टाइम ऐसा लग रहा था कि कहीं कंस्ट्रक्शन बंद ना करवाना पड़ जाए, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो परमिशन मिली नहीं थी, और बिना परमिशन के बैंक इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं करेगा। फिर फाइनली 1-2 जनों से जान पहचान निकलवा के मैं एक दिन चला ही गया JDA, मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कहा आज सुबह से भले शाम हो जाए, मैं आज अपना काम करवा के जाऊंगा, नहीं तो मेरे मकान का काम अटक जाएगा। तो मैं सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, जब तक उसका डेवलपमेंट अथॉरिटी का ताला ना लग जाए शाम को, तब तक मैं वही बैठा रहा, और फाइनली उस दिन मैं वो परमिशन लेके ही आया। और उसी दिन शाम को 5:30 बजे मुझे परमिशन मिल गई थी, मैं बैंक चला गया। बैंक में जाके मैंने हाथों हाथ परमिशन जमा करवाई, और उन्होंने बोला कि अभी 15 मिनट से आधे घंटे में आपके अमाउंट अकाउंट में डाल देंगे। फिर फाइनली उसी दिन वो अमाउंट अकाउंट में आ गया, नहीं तो दूसरे दिन क्या हमको काम रोकना पड़ता, क्योंकि पैसा नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत हमने जो हमारी सेविंग्स थी वो तो सब लगा ही रहे थे, बट थोड़ा ऐसा थोड़े कि बिल्कुल खाली होकर बैठ जाएंगे, थोड़ी टेंशन हो रही थी। बाकी नौबत ऐसी आ गई थी कहीं बंद न कुछ दिन के लिए करवाना पड़े, बट ऐसा नहीं हुआ, हमारा काम चालू रहा, हमारा सब कुछ ऊपर वाले ने साथ दिया, और एक दिन पहले सब हो गया, तो फिर हमारा कंस्ट्रक्शन चलता रहा। अब जैसे लाइट और पानी था नहीं, तो लाइट हम किसी तक ले नहीं सकते थे, अब बिना लाइट के पानी कैसे, मोटर कैसे चालू करोगे, तराई कैसे करोगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, जैसे नॉर्मली 500 रुपए का पानी का टैंकर आता है, अब हमने कोई गड्ढा वड्ढा खुदवा नहीं रखा था कि उसमें पानी डलवा के रख दे, तो हमने कंटिन्यू 5 से 6 दिन पानी का टैंकर खड़ा करवाया, रोज के हमारे 1500 रुपए से उस टैंकर को वहां पे खड़ा रखने, सुबह से लेके शाम तक 1500 रुपए पर डे पानी पानी के जा रहे थे। तो सोचिए अब हमको क्या सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इतना पैसा पानी में बर्बाद कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द लाइट का शुरू करते हैं। लाइट का भी मैं आपको बता दूं, लाइट का कनेक्शन भी आपको ऐसा नहीं मिलता, लाइट का कनेक्शन आपको तब मिलता है जब आपका DPC लेवल, जो बैंक बोलता है ना पी लिंथ लेवल, कि जब तक आपका मकान पी लिंथ लेवल पे नहीं आएगा, वहां से भी डिस्कॉम से भी वो आता है चेक करने, खाली प्लॉट पे आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा कभी भी, वो आता है चेक करने, वो लेवल होगा तभी आपको कनेक्शन अप्रूव होगा, नहीं तो आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी दिक्कत फंस गई, क्योंकि रोज पानी का बहुत पैसा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा किसी जान पहचान वाले को पकड़ा, एक एजेंट को पकड़ा,
मैंने कहा कि उसको पैसा खिलाए वक्त समझ में आ जाएगा क्योंकि पानी का अपना पैसा जा रहा है, ये पैसा अपन उसको दे देंगे तो अपना कनेक्शन जल्दी आ जाएगा। तो उसको मैंने थोड़ा पैसा दिया और उसने फटाफट 2 या 3 दिन में उसने खुद ने ही लाके मीटर लगा दिया, और जो वो वेरिफिकेशन करने आया उसको भी उसने बात कर ली कि हाँ भाई ये हमारा ही है तो आप लगा दो, खंबे वंबे भी खड़े हो गए और फिर उसने लाके मीटर भी लगा दिया फाइनली। तो ये हमारे पानी की समस्या एक तरह से दूर हो गई। ये सोच रहे होंगे कि पानी की समस्या दूर हो गई, पानी कहाँ से आया? तो आपको बता दूं हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल खुदी हुई है, तो हमने ट्यूबवेल जब मकान का काम शुरू नहीं होता उसी एक दिन पहले ही हमने ट्यूबवेल खुदवा रखी थी। उसका अगर हमारे पास वीडियो होगा तो हम शायद उसमें आपसे शेयर कर लेंगे। मकान का इसके बाद 30 अक्टूबर से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। हो गया पानी, लाइट, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। मेरे पास कुछ फोटोज रखे हुए हैं, मैं बताऊंगी पूरे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, पहले की यादें थी तो मैंने उसमें अपलोड कर रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से हमारा काम चलता रहा, फिर नवम्बर स्टार्ट हो गया, ठीक है, अक्टूबर की लास्ट में स्टार्ट हुआ था काम, फिर नवम्बर में चलता रहा। फिर हमारा बस डेली यही काम था, सुबह उठकर सर्दी। अब नवंबर आ गया है, शादी को 1 साल हो गया है हमारा, ठीक है, नवंबर में शादी हुई थी 15 नवंबर को, अब नवंबर स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुकी है हमारे लिए। तो फिर 1 नवंबर आई, फिर धीरे धीरे हम लोगों का बस यही रूटीन हो गया था, सुबह जल्दी उठना है, साइट पर आते थे हम दोनों। गाइस अब क्या है कि हमारे और कोई करने वाला है नहीं, जो भी संभालना था हम दोनों को ही संभालना था। तो अब हम लोगों ने एक जुनून बना लिया था कि बस जितना भी हो गया सारा ध्यान अपने मकान पर ही देना है। हम लोग रात भर डिसाइड करते क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे कैसे करना है, और सुबह 7 बजे सार को यहाँ पे पहुंच जाते थे तराई का काम निपटा के। हाँ कल आई, हेलो हेलो, क्या बड़ा ये सीजन चेंज कर दे नहीं यार, हेलो के। फिर जब लेबर आती थी उनको समझा देते थे कि कहाँ पे क्या करना है, आप नक्शा बना के ऐसे भी नहीं, उनको समझाना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो वो क्या काम बिगाड़ देते हैं। 10 बार समझाते थे एक ही बात को, अगर थोड़ा सा अगर ध्यान हम लोगों ने जैसे सोचा ना कि अभी इनको जैसे कॉन्ट्रेक्टर है उनको बता दिया, वो पूछते थे कि किस जगह क्या करना है, बताकर गए हैं। अच्छा हम सुबह आते थे सुबह बता कर गए, अगर दोपहर में आए ना तो कुछ ना कुछ अगर वो उनके दिमाग में से निकल गया तो मतलब समझ लो कुछ गड़बड़ होनी है इसमें, नक्शे में ऐसा बोला ही नहीं था,
आपने ऐसा कर दिया था फिर उसको हटाते करते तो पूरा ध्यान देना पड़ता था। हम सुबह आते यहाँ पर, इसके बाद 11-12 बजे हम वापस चले जाते थे साइड से, फिर ये जॉब पर जाते, मैं घर पे जाके काम करती सारे, फिर ये जॉब से आने के बाद हम खाना वगैरह खाकर आते वापस साइड पर, और फिर साइड का 6-7 बजे कम्प्लीट हो जाता था, बंद हो जाती थी, फिर वापस घर पे जाते, फिर वही रूटीन, शाम को खाना वगैरह बनाना, खाना करके जल्दी सो जाते, फिर सुबह उठकर वही, तो यही रोटेशन चलता रहा हम लोगों का जब तक मकान कंप्लीट नहीं हुआ तब तक। तो अभी ये नवंबर ही चल रहा है, नवंबर में ऐसे करते करते 14 नवंबर को दिवाली उसी दिन थी, और दिवाली वाले दिन भी हमारा काम चल रहा था, थोड़ी थोड़ी डीपीसी कंप्लीट हो गई थी और दीवार थोड़ी सी उठ गई थी, अगर फोटो होगा तो मैं लगाऊंगी। और उसके अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी, 14 नवंबर को दिवाली थी तो दिवाली सेलिब्रेट हुई, और फिर अगले दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी में सबसे अच्छा जो गिफ्ट मेरे हस्बैंड ने दिया वो यही दिया कि हमारा खुद के मकान का काम स्टार्ट हो गया, तो इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। तो बहुत बड़ा गिफ्ट था उस साल का मेरा। तो गाइस कुछ हम बात करना चाहते हैं आपसे किसी टॉपिक पर, स्किप मत करना और आराम से सुनिएगा और समझिएगा। तो किसी का मैसेज आया आज, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है ना उस पर भी आया मैसेज, और हम कुछ लाइव वीडियो में भी आए, 3 लाइव वीडियो है तो उनमें से किसी एक पर भी आया था कॉमेंट। तो क्या आया था वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज किसी ने कॉमेंट किया था कि आप अपना यूपीआई नंबर सेंड कीजिए इस पर, और है ना हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं हमारे लास्ट वीडियो में है। तो जैसा कि आप जो भी थे आपने इतनी बड़ी बात बोली उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपने हमें इतनी मदद के लिए बोला, आप बहुत अच्छे इंसान है जो सबकी मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जितने लोगों ने भी ऐसा बोला है हम उनकी कदर करते हैं, दिल से बहुत शुक्रिया आप सभी ने इतना बोला। यहाँ तक समझ आ गया, अब इसके आगे सुनिए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड है ठीक है, अभी ये सही सलामत बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, हाथ पर सही सलामत है इनके, सही है ना, अच्छे से हमारी लाइफ चल रही है, जितना एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है हम अच्छे से अपना कर रहे हैं। मैं आप लोग को अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जो बेचारे सच में, जो जैसे कि अपाहिज होते हैं, जिनकी जिनकी जैसे ऊपर वाला कभी हाथ पैर छीन लेता है, डिसेबल्ड हो, जो बेचारे हैंडीकैप होते हैं वो भी बेचारे अपने दम पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आजकल पैसा हर कोई कमा लेता है, बेचारे जो लोग होते हैं वो भी कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, हमने देखा है, मुझे ऐसे लोगों को पता है, बहुत बेचारे दिल में आता है कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, वो भी बहुत खुददार होते हैं, आप भी जानते हैं वो अपनी मेहनत से कैसे भी करके काम करते हैं। अगर हम मदद करना चाहते हैं ना तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, भले वो आगे से मना कर रहे हैं पर हम आगे से उनकी कुछ मदद कर सकें, हम उनके काम आए तो उसमें एक हमें सवाब भी मिलता है, एक पुण्य मिलता है हमारी, बोलते हैं इसके लिए बहुत हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट अब जैसे कि मेरा हस्बैंड है ठीक है, इन्हीं के ऊपर बोला है ना, तो अब ये अच्छे खासे इनके हाथ पर सही सलामत रहे और जिंदगी भर इनका ऐसे ही रहे, मैं तो यही दुआ करती हूँ। अगर आप अब इनके लिए यूपीआई नंबर हमने सेंड कर दिया ठीक है, आपने मांगा हमने सेंड कर दिया, आप मदद कर दोगे, फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सामने वाला इंसान निकम्मा हो जाएगा, बताओ क्यों, क्योंकि मेरे लिए तो सामने से लोग पैसे की बोल रहे हैं, मुझसे यूपीआई नंबर मांग रहे हैं, तो मैं आगे से नंबर डाल देता हूँ, मुझे क्या है, आराम से मुझे पैसा आ रहा है, ऐसी सोच होती है लोगों की, बट हमारी ऐसी सोच नहीं है। हम आज तो किस्मत से मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा एजुकेटेड है जो अपने दम पर मुझे अच्छे से रख रहा है, बाई चांस अगर ये पढ़े लिखे भी नहीं होते तो भी जो आज बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ना, वो भी मेहनत से इज्जत से अपनी रोटी कमा के खाते हैं, मजदूरी कर लेंगे, किसी की दुकान पे काम कर लेंगे, मेहनत से काम करके खाते हैं। तो हमारा कहने का यही है कि आप मदद करें, मदद हम भी करते हैं मदद लोगों की, पर हम मदद ऐसे लोगों की करते हैं जिनको सच में जरूरत है। अब देखिए आप भी तो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं ना, पैसा कितनी मेहनत से आता है, एक एक रुपया इंसान 24 घंटे 12 घंटे काम करता है तब जाके उसको सैलरी मिलती है, महीने की मिलती है। तो आपने बोला ना तो हमें दिल से बहुत अच्छा लगा आप सभी ने, पर हमको ऐसा लगा कि आप बेचारे इतनी अच्छी सोच रखते हैं बट हम जैसे लोग गलत फायदा ना उठाए, हमारी ऐसी सोच है। आपने ऐसा कहा तो हम आपके आगे सीधा नंबर डाल सकते थे ना कि अपने लिए क्या है, सामने से पैसे का बोल रहे हैं, बट नहीं, हम किसी की ऐसे मेहनत की कमाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि ना आप कितनी मेहनत से अपनी फैमिली है आपकी, आप उनके लिए कमा रहे हैं। तो बस यही, अगर आप दिल से सच में किसी की मदद करना चाहते हैं ना, जैसे आपने हमसे बोला, तो अगर आपको हेल्प करना अच्छा लगता है तो आप किसी ऐसे की मदद करें जिसको सच में जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मेरे को ऊपर वाले ने हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया है,
फिर भी मैं अगर आपसे मांगू तो एक तरह से क्या होगा कि आप एक तरह से मेरे को निकम्मा बना रहे हो आगे से देखिए, क्योंकि मेरे को कमाने की जरूरत ही नहीं है जब आगे से ही सब कुछ मिल रहा है बिना कमाए। जिसके हाथ पैर नहीं होते उसका तो समझ में आता है वो नहीं कमाता, पर आजकल वो लोग भी खुददारी की खाना पसंद करते हैं, उनको भी आप देखते हो ना तो वो भी कुछ चीजें बेचते हैं और वो उसकी मेहनत की खाते हैं। ऐसे लोगों को मत दो गाइस जिनके हाथ पैर सब कुछ सलामत है तो भी मांग रहे हैं, और क्यों दे रहे हो? आप समझ रहे हो कि आप पुण्य कमा रहे हो, पर अगर देखी जाए सही तरीके से आप पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप उनको देके पाप के भागीदार बन रहे हो। आप एक मतलब समाज के अंदर ये निकम्मे लोगों को पैदा कर रहे हो आप। लाइव वीडियो में भी हम लोग गए थे तो उसमें भी किसी ने हमको, हाँ याद आया मुझे, आप अगर यकीन ना हो तो सेकंड या मैंने थर्ड लास्ट वीडियो अपलोड किया है लाइव वीडियो, उसमें किसी ने हमको बोला था, अब पता नहीं हमारे मजे ले रहे थे या ऐसे ही बोल रहे थे, ये दुनिया है कुछ भी, बट मैं उसका आंसर देना चाहूंगी, बोला है ना तो आज मौका आ गया है तो आंसर दूंगी ना मैं। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए एक पैकेज देते हैं गोवा के लिए, किस लिए? घूमने के लिए, ये उन्होंने दिया है, अगर यकीन नहीं हो तो आप मेरे वीडियो देख लेना। गोवा ट्रिप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हाँ ये दिया है। अब मैं, हमसे बोला है ना तो इसका आंसर मैं देती हूँ। इस वक्त हमने उनको बोला, उनको तो बता दिया कि आपने इतनी बड़ी बात कही, वो हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना सोचा। अब मुझे नहीं पता वो कोई मजाक कर रहा था या मजे ले रहा था, वो उनकी नियत वो ऊपर वाला जानता है, बट हम अपनी नियत बताते हैं। उन्होंने हमसे ऐसा बोला ना तो हमने उनको अच्छे से रिप्लाई कर दिया। बट अब मैं दुनिया के आगे फिर से एक बात बोलती हूँ, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, ना मेरा हस्बैंड ऐसा है, हमें घूमने जाना होगा ना, हम अपने दम पर जाएंगे, ये मुझे घुमाने लेके जाएंगे ना तो ये मुझे अपने पैसों से लेके जाएंगे ना, मुझे गोवा और फॉरेन का लालच नहीं है। मैं एक छोटे से शहर में जाकर खुश हो जाऊंगी, एक छोटी सी सिटी में जाकर, क्यों? क्योंकि वो मेरा हस्बैंड मुझे लेके जाएगा, मैं किसी के दम पे नहीं जाऊंगी, उस क्या इज्जत रहेगी? मैं ले जाऊंगा तो ऊपर वाले ने हाथ पैर दिए कमा के अपनी मेहनत के पैसों से ले जाऊंगा, ना किसी के दिए हुए पैसे से मैं घूमने जाऊँ। जिन्होंने हमको ये मैसेज करा है, अभी मैं उनको ऐसे बोलती थी खुश हो जाती, ओ थैंक यू आप हमको भेज रहे हैं, अब हम आपकी वजह से है ना गोवा घूमेंगे जाएंगे, चलो हम तो चले जाते, पर हमारे जो लोग होते हैं ना जिनमें समझ होती है वो यही कहते हैं अरे निकम्मो, यही बोलते वो, अरे निकम्मो तुम दूसरे के पैसे पे घूमने जा रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या बाह भाई, यही बोलेंगे ना। समझदार और पढ़ा लिखा इंसान तो यही बोलेगा कि अरे निकम्मो तुम दूसरे के पैसे पे, वो भी तो मेहनत की कर रहा है, तुम उसके पैसों पे मजे कर रहे हो, तो यही बात है। मुझे ना गोवा का लालच है ना मुझे फॉरेन का लालच है। मैंने लाइव में भी उसको यही आंसर दिया कि अपनी वाइफ को घुमाने मैं अपने पैसों से ले जाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हाँ तो कुल मिलाकर आप लोग समझ गए हैं, इसका आंसर देना जरूरी था क्योंकि लोग हमारे पास आए, क्योंकि कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो इंटर रिलीजन मैरिज की है, घर वालों ने साथ नहीं दिया तो कि हेल्प कर देते हैं, लोगों के ऊपर कोई शक नहीं है, लोग बेचारे अच्छा सोचते हैं, आप सब अच्छा सोचते हैं, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं, आपने हमारे लिए भी सोच, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपकी मेहनत का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। जैसे आपने हमें भी दिया ना, हम चाहते तो मेरे पास ये यूपीआई आईडी 2244 इनके पास है, मैं अभी आपको मैसेज कर दूंगा, अभी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? हमारी तारीफ नहीं है, उससे हमारी इज्जत घटेगी, और हम यहाँ पैसा नहीं, हम यहाँ इज्जत कमाने के लिए आए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी की मदद मत कीजिए, पैसा मत दीजिए, पर आप थोड़ा सोच समझ के उस इंसान को दीजिए जिसको रियल में उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है जो सिर्फ आपके सामने बहाना करके थोड़ा सा रोना रोके और आपसे पैसे ले ले। आप भी तो बहुत समझदार है ना, अब देखिए इंसान के उसके हाथ पैर सलामत है, सब कुछ सलामत है, ऊपर वाले ने उसको अच्छा खासा बनाया है तो भी वो नहीं कमा रहा है, उसको अगर आप पैसा दे रहे हो तो वो आपका पैसा वेस्ट जा। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कुछ दोगे तो वो आपका पैसा वेस्ट, आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा आपको पाप मिलेगा। और देखिए जैसे कि और आज के टाइम पे पैसा कमाना, मैंने अभी जैसे कि बताया है, कोई अनपढ़ भी मजदूरी करके कर सकता है, ठीक है, और अगर जो ठीक है ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है ना, चलो कोई बहाना मार देता है मेरे पास डिग्री नहीं है, एजुकेशन, निकम्मे लोगों के पास हजार बहाने होते हैं, बट वो निकम्मे लोगों को सही करना मुझे अच्छी तरह आता है। देखो मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ, अगर वो कोई निकम्मा है तो वो हमेशा क्या वो बहाने मारने की कोशिश करेगा कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास एजुकेशन ज्यादा नहीं है। अरे भाई फिफ्थ क्लास तक, प्राइमरी स्कूल तक तो बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़ा ही सकते हो, कुछ तो कर सकते हो,
किसी दुकान पर लगकर काम तो कर सकते हैं ना। मेरा हस्बैंड अगर बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होता, थोड़ा बहुत होता, तो कुछ तो करके खिलाई देता ना। मैं मजदूरी करने चला जाता, हाँ, सुबह जाता शाम को पैसे। मजदूरों को तो पता है आपको, पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाती है। सुबह हाँ, जाता शाम को पैसे लेके आ जाता। और मैं तो बोलती हूँ जो मजदूर मेहनत करके खाते हैं और जो बेचारे अपाहिज होते हैं वो मेहनत करके खाते हैं, वो मेरी नजर में इतने बड़े हैं। और जो जो ये मांग के पैसा खाते हैं ना, आज हम भी अगर मैं उस जगह अपना यूपीआई नंबर डाल देती ना, तो ये समझो मैं अपनी नजरों में गिर जाती और ये गिर जाते कि मेरे को यही लगता ना कि मेरा हस्बैंड के इतना भी लायक नहीं है कि ये लोगों के रहबर मुझे पाले मतलब। और मैं उन लड़कियों में वैसे भी नहीं हूँ कि अब जैसे कि किसी ने स्पॉन्सर का बोला कि मैं आप गोवा में जाइए तो मैं खुश हो जाऊं, अरे आप जल्दी जल्दी से अपना यूपीआई नंबर डाल देते हैं गोवा घूमकर आएंगे। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड की मेहनत की कमाई खाती हूँ। शादी के पहले माँ बाप की मेहनत की कमाई खाई है और शादी के बाद हस्बैंड की खाती हूँ। मुझे दूसरों के पैसों पे ऐश मौज करने का शुरू से ही शौक नहीं है। तो प्लीज अगर आप अब जो भी है आप यहाँ पर मजे लेने आते हैं या आप सच में बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता आप कैसे बोलते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और आपका पैसा भी बहुत मेहनत का पैसा है, सोच समझ के खर्च कीजिए उसको। जो सच में जरूरतमंद है ना उनको जरूर पैसे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मेहनत का पैसा हम जैसे लोग कोई उड़ा ना पाए, मजे उसके फायदा नहीं ले पाए। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, समझदार हो आप। रिसेंटली मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि रिसेंटली अभी मेरे फ्रेंड्स ने आके बोला कि एक कोई गरीब परिवार है, उसकी लड़की है तो उसकी शादी तय हो चुकी है, इतने तारीख की शादी है और बारात वारात सब। उसके बाप के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है शादी के खाना करने का भी। तो मैंने कहा कि चलो कितने लोगों का खाना है, कि 300 से 400 लोगों का होगा। मैंने कहा चलो अपन सब जने मिलके कर लेते हैं। तो हम लोग ने तकरीबन 8-10 जनों ने मिलके सबसे पहले तो लड़की के फादर से बात की, उससे पूछा कि मतलब क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। तो उनसे सारी डिटेल्स ले ली हमने। फिर उन्होंने बोला 300-400 लोग आएंगे बारात में और उनका खाना करना है और प्लस लड़की को थोड़ा बहुत जो देना है वो सब देना है। तो हम लोगों ने हलवाई से बात की, हलवाई को भी हमने बताया भाई कि वो धर्म का काम है, दान पुण्य का काम है। तो वो भी एग्री हो गया कि कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसा करने का। उसने भी बिना पैसे के काम करने के एग्री हो गया वो। और जैसे ग्रोसरी का आइटम लाना था, किराने का सामान, तो किराने वाले से बात करी, उसने कहा मैं सब कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा और अपनी तरफ से भी कुछ दूंगा, मतलब मैं उसमें 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, तो वो मैं आपको ऐसे दे दूंगा। ऐसे करके सारी चीजें हमने अरेंज की और जो ऊपर का पैसा लगेगा वो सब हम अपनी जेब से बांट के लगा देंगे। तो वो शादी गाइस इतनी अच्छी हुई कि वो जो उसका लड़की का पेरेंट्स थे ना, वो लास्ट में आके हम लोगों का हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आपने जो किया है ना, कि सच में मैं बहुत एहसानमंद रहूंगा आपका। मैंने कहा ये आप एहसान की बात मत कीजिए, ये हमारा फर्ज, हमको इससे खुशी मिली है। दीदी को अपना बहन समझ के, आपको अपना पिता समझ के, एक तरह से हमने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, वो हमारा फर्ज था जो हमने किया है। तो आप बस ऐसे हाथ जोड़ के हमको शर्मिंदा मत कीजिए। तो गाइस ऐसा भी होता है, किसी की अगर हेल्प करनी हो तो ऐसे भी की जा सकती है। हेल्प तो करना ही चाहिए, हेल्प के खिलाफ नहीं है, हम हेल्प तो करें, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए हेल्प। पर हमारी जैसी सोच हर किसी की नहीं होती। आज आपने हमसे यूपीआई मांगा, हम इसका गलत फायदा उठा सकते थे ना, पर हमने नहीं उठाया। तो आपकी सच्चाई का कोई गलत फायदा ना उठाए। आप सब लोग इतने अच्छे हैं, आप हमें यूपीआई नंबर तक मांग रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोच कितनी अच्छी है ना कि आप हमारी मदद कर सकें। बट अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम किसी की अच्छाई का फायदा ना उठाएं, ठीक है ना। मैं चाहती तो, मेरा हस्बैंड चाहता तो फटाफट यूपीआई डालकर लिख देते ये लीजिए हमारे पर, नहीं, क्यों किसी की मेहनत का क्यों खाना, आप भी तो बहुत मेहनत से कमा रहे हैं ना। तो आपकी इस अच्छाई का कोई फायदा ना उठाए, ये आपकी, आप इस बात का ध्यान रखें। So, हमारा कहने का मतलब बस यही है। वैसे हम ये चीज सब बोलते नहीं, बट क्या है हमारे पास बीच बीच में ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, कभी लाइव वीडियो में भी जाते हैं तो कोई मैसेज करते हैं कि आगे से बोलते हैं ना, आपकी अच्छाई दिख रही है इस चीज में, आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, यूपीआई नंबर डालिए, इसका मतलब आप अपना यूपीआई नंबर भेजिए, आपकी सोच कितनी अच्छी, आप हमारी मदद करना चाहते हैं। पर अब हमारी थिंकिंग, हमारी अच्छाई, जो सच्चाई है वो हमने आपको बता दी, हमने नहीं डाला अपना यूपीआई नंबर।
पर हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, वो इस चीज का गलत फायदा उठा सकता है। और हमारा कहने का मतलब यही है कि आप लोगों की इतनी मेहनत की कमाई है, आप भी अपनी फैमिली के लिए 24 घंटे काम करते हैं, और आप अगर जिनके हाथ पर सही सलामत है, हम कैसे भी करके कल को बुरा वक्त भी आए तो कैसे भी करके कमा ही सकते हैं ना। तो ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा बुरा वक्त आए कि किसी के आगे एक रुपया भी मांगना पड़े। हाँ, बट कभी ऐसा कभी वक्त आ गया चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं खुद आप लोगों से ऐसे आकर बोलूंगी कि मुझे जरूरत है, तब आप मदद करना। मैं खुद आगे से बोलूंगी, बट मैं चाहती हूँ जिंदगी में कभी मरते दम तक मुझे ऐसा दिन ना देखना पड़े, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा इज्जत की रोटी खाऊं और इज्जत के साथ जीऊं, और बस यही चाहते हैं। और मेरा हस्बैंड हमेशा सही सलामत रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि इतना हट्टा कट्टा हस्बैंड होते हुए किस मतलब का, शरीर से हट्टे कट्टे हस्बैंड ठीक है, पर काम नहीं होता, निकम्मा पना मारोगे तो ऐसे हस्बैंड की तो मैं वैसे भी इज्जत नहीं करती। मैं सच बता रही हूँ, मुझे भले कोई कितने भी दिखने में स्मार्ट हो लड़का, कितना भी कुछ अच्छा हो, एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, बट अगर वो अपने दम पर अगर वो 1000 रुपए भी नहीं कमा सकता, अगर वो लड़का किसी दूसरे से पैसा मांगता है और किसी दूसरे के पैसे पे मजे करता है, फिर मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी नजर में वो निकम्मा है। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सारे निकम्मे सुधर जाएं, इसलिए ये मैसेज देना जरूरी था। और मुझे पता है अगर किसी का ये नेगेटिव कमेंट आया ना तो हम समझ जाएंगे, और आप सब भी समझ जाना, कह रहे ये कोई निकम्मा ही होगा जिसको बुरा लगा है, क्योंकि आप सब भी, मुझे तो पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सब एक एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज से, उनके बात करने के तरीके से ही पता चलता है। अगर कोई भूला भटका कहीं से गुजर के आ गया कॉमेंट करने गलत, इतनी अच्छी बात पर अगर कोई गलत कॉमेंट करेगा, समझ लो वो एक निकम्मा वापस आ चुका है। तो हम थोड़ा सा आपको हंसी भी में बता देते हैं, तो भाई अब सबको मिलकर गलत चीज को सपोर्ट नहीं करना है, हम सबको लोगों की मदद करनी है, हम भी हम मदद भी चाहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद हो, ऐसे लोगों की ना हो जिसको जरूरत ही नहीं है और आप उसको आगे से जाके देते हो। हाँ, ऐसे लोगों की मदद मत कीजिए। हाँ, जो बेचारे जिनको ऊपर वाले ने डिसेबल्ड बनाया है, जिसके हाथ पैर नहीं है, उनकी मदद कर, वो तो हम भी करते हैं। वक्त आया है, बुरा सबके पास आता है, बट मेरा हस्बैंड, मैं वही बार बार बोलती हूँ, मेरा हस्बैंड वो सीधा बोलता है कि मैं कहीं से भी दुनिया में, मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, इंडिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, मैं तेरे को 2 रोटी अपनी मेहनत से कमा के खिला सकता हूं, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं सच में इमेजिन करती हूं अगर ये ऐसे होते कि मैं तो भाई काम नहीं कर रहा, कहीं से पैसा आ जाएगा, कोई ना कोई दे ही देगा, फायदा उठाते हैं लोगों की अच्छाई का, तो मैं तो वैसे ही पागल हो जाती, मैं भाग जाती इनके पास से कि हट भाई, निकम्मा हस्बैंड मिल गया, मुझे तो इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, ये तो जब देखो जब पैसे मांगते रहता है दूसरों के पैसों पे। अब वो गोवा वाली बात को ही ले लो, ये मुझे दूसरे के पैसे पे लेके जाते तो क्या मैं इनकी इज्जत करती? मैं अब मेरी जगह भाई कोई और लड़की होती वो बहुत खुश होती कि मेरा हस्बैंड मुझे लेके जा रहा है। अरे भाई दिमाग थोड़ा हो लड़की, तेरा हस्बैंड नहीं, तुझे दूसरे के रहमो करम पर तू घूमने जा रही है, कोई यही बोलता है ना दूसरा मुझे, तो इसलिए हमेशा इज्जत से जियो, भले 2 रोटी कम खा लो पर इज्जत से जियो, इसीलिए बस यही मैसेज देना चाहते हैं हम। इज्जत की 2 सूखी रोटी 1000 रुपए के पकवान से भी ज्यादा कीमती होती है। हाँ, और वो जो जिसने अपनी मदद कर दी है ना बेचारे ने, वो तो खुश हो जाएगा, पर हम उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग अगर किसी की मदद सोशल मीडिया पर भी करते हैं ना, तो ये आज मैसेज देना बहुत जरूरी था कि अगर आप हम जैसे लोगों की, जैसे हमको भी आपने मैसेज करा, किसी और को भी, आप हमें नहीं पता आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो आप सोच समझ के ही उसको इस बात का बोलें कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। पहले देख लें कि इसके हाथ पैर सही सलामत हैं, क्योंकि हाथ पैर जिसके नहीं होते हैं सही सलामत, वो भी जब कमा के खा सकते हैं तो फिर ये तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, ये क्यों नहीं कमा सकते? तो आपकी आपकी मेहनत की कमाई किसी गलत हाथों में ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये आज कहना जरूरी था। तो बस हम आपके साथ ये बात हमारे थॉट्स शेयर करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि इंसान अच्छे से अच्छी मैसेज लोगों तक पहुंचे, क्योंकि और ये वाला टॉपिक भी हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे। आप चाहे तो देख सकते हैं, कुछ मैसेज तो मैं हटा ही देती हूँ, बट फिर आज मैंने सोचा इस टॉपिक पर बात करते हैं ताकि कोई गलत फायदा ना उठा सके आप लोगों की अच्छाई का। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे मकान का काम आगे कहां तक पहुंचा है, क्या चल रहा है,
मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना, मुझे हंसी आ रही है बोलने में। मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि हम लोगों को, सभी को, निकम्मे लोगों को सुधारना है, तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है कमेंट में जरूर बताना। मेरी बात, हम दोनों की बात किस किस को सही लगी। सो गाइस, लोगों को मेहनती बनाइए, निकम्मा मत बनाइए। हाँ, ये हमारा ये हमारी मैसेज टैग लाइन है। हाँ, ये वाली बात सही है ना, तो देख के समझ ही गए हैं हम क्या बोलते हैं। जब हम इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो हम अपने आसपास अगर ऐसा कुछ देख लेते हैं और हमारे पास ऐसे लोग आ गए हैं चल के जो हमारी मदद कर रहे हैं, तो हमने सोचा बेचारे इतनी इनकी अच्छाई का कोई फायदा ना उठा पाए, तो हमने सोचा ये मैसेज देना जरूरी है, इसलिए हमने दिया। बाकी आप सब समझदार हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय गाइस। बाय।